हाँ तो गाइस, फैक्ट वीडियोज़ में सबसे मेन होता है वॉइस। अगर आपका वॉइस अच्छा है तो चांसेस आ रहा है कि आपकी वीडियोज़ वायरल होगी। अगर आपका वॉइस में दम है तो गाइस आपका वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल होगा। लेकिन हाउ टू एडिट योर वॉइस फॉर फैक्ट वीडियोज़, फैक्ट वीडियोज़ के लिए अपने आवाज़ को क्रिस्पी एंड बेस्ट कैसे बनाएं। अब अपने वॉइस को काफ़ी ज़्यादा अच्छा करने के दो तरीके हैं, या तो आप अपने वॉइस को किसी भी एडिटिंग ऐप से जाकर, कोई भी वॉइस चेंजर ऐप से जाकर उसे जो है एडिट करो, या तो दूसरा तरीका है गाइस अपने वॉइस को आप जो यहाँ पे नेचुरली एडिट करो। ठीक है, नेचुरली मतलब अपने वॉइस को जो है इम्प्रूव करो। दो तरीका है, एक आपको एडिटिंग करना होगा, एक आपको नेचुरली जो है इम्प्रूव करना होगा। तो गाइस आज मैं आपको ऐसे 5 टिप्स बताऊंगा जिनकी मदद से जो आप यहाँ पे अपने वॉइस को काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा कर सकते हो नेचुरली। ठीक है, एडिटिंग वाले के ऊपर मेरा वीडियो आ रहा है कि आप अपने वॉइस को जो है किस टाइप से दूसरे ऐप्स पर एडिटिंग कर सकते हो, लेकिन आज मैं आपको जो है नेचुरली बताऊंगा, नेचुरली ऐसे 5 टिप्स बताऊंगा जिनसे गाइस अगर जो आपके पास माइक भी नहीं है तो आपका जो है काफ़ी अच्छा वॉइस रिकॉर्ड हो जाएगा। मेरा भी जो है गाइस अभी माइक नहीं है, बट मेरा जो काफ़ी अच्छा वीडियो अभी शूट हो रहा है। तो गाइस आपको मैं बता दूं, अगर जी आपका यहाँ पे नेचुरली वॉइस काफ़ी अच्छा है तो आपको अपने वॉइस को जो एडिटिंग करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको अपना जो है ओरिजिनल वॉइस को काफ़ी ज़्यादा अच्छा करना है, तो मैं आपको ऐसे जो 5 प्रो टिप्स दूंगा। और ये 5 टिप्स जो है गाइस इसे जो मैंने पर्सनली फॉलो किया है, मुझे काफ़ी अच्छा जो रिजल्ट देखने को मिला है। मैं जो यहाँ पे कुछ हवा में बात नहीं करूँगा कि ये करो वो करो, जो मैंने खुद ने फॉलो किया है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला टिप्स है गाइस, आप उस टाइम पे वीडियो को शूट करो जब आपका जो है दिल से मन हो। ठीक है, दिल से आपको आ रहा होगा कि चलो अभी जो मैं जाकर वीडियो को शूट कर लेता हूँ। ठीक है, तो उस टाइम पे आप वीडियो को जो है शूट करो। ये अभी सुनने में जो है काफी छोटा बात लग रहा होगा, लेकिन इससे गाइस आपका जो लिटरली आपका जो वॉइस होता है ना उस पर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। मान लो गाइस अभी जो है आप यहाँ पे सो के उठे हो, ठीक है, और आपका मतलब एक रूटीन बना हुआ है कि मुझे इस टाइम पे वीडियो शूट करना ही है। तो गाइस आपको जो उस टाइम पे अगर जी आप मेरा यकीन मानिए, अगर जी आप यहाँ पे सो के उठ के आप जो वीडियो को शूट करने जाते हो तो आपका वॉइस जो है काफी ज्यादा डल होगा, उस टाइम पे काफी अच्छा जो वॉइस निकल के नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि जिस टाइम पे आपका मन होगा उसी टाइम पे आप अपने वीडियो को शूट करो। तो गाइस अब हमारा जो दूसरा टिप्स है वो ये है कि आप एक ऐसे जगह को सेलेक्ट करो, ठीक है, जहाँ पर कोई ना आता हो, मतलब कोई ना आता हो। ठीक है, आपको जो कोई भी ये डर ना हो कि मुझे कहीं कोई जो है देख तो नहीं रहा है मैं यहाँ पे वीडियो को शूट कर रहा हूँ, तो आपको एक ऐसा जगह ढूंढना है गाइस जहाँ पर कोई ना आता हो। ठीक है, और गाइस आपको यहाँ पे वीडियो शूट करने के लिए 2 टाइम निकालना है, या तो आप गाइस नाइट में शूट कर सकते हो। ठीक है, नाइट में गाइस 8-9 बजे तक जो आप यहाँ पे वीडियो को शूट कर सकते हो अपने छत पर जाकर, या कोई भी आप जो एक रूम ढूंढ लो जहाँ पर जो कोई ना आता हो। ठीक है, तो उस जगह पर जाकर के जो है गाइस आप जो अपने वॉइस को शूट कर सकते हो, जो भी आपका रिकॉर्डिंग है गाइस उसको जो आप यहाँ पे शूट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी ट्रैफिक वगैरह नहीं आता है। ठीक है, तो इजीली जो है वो शूट हो जाता है। अब हमारा जो दूसरा टाइम है गाइस वो है मॉर्निंग का टाइम। मॉर्निंग का टाइम में गाइस आप यहाँ पे जो 5 बजे, 5:30 बजे या 6 बजे, ये तीनों टाइम में गाइस आप जो अपने वीडियो को शूट कर सकते हो। वही छत पर आकर जो आप यहाँ पे शूट कर सकते हो, या अगर जो आप लोग का जो है मतलब छत पर आने पर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप जो यहाँ पे अपने घर से बाहर निकल के कहीं पर भी जो उस टाइम पे मतलब अंधेरा नहीं रहता है। ठीक है, सुबह सुबह हो जाता है, तो उस टाइम पे जो आप यहाँ पे कहीं पर भी जाकर जो है अपने वॉइस को शूट कर सकते हो। और गाइस अब हमारा जो यहाँ पे 3rd टिप्स है वो ये है कि आपको जो हमेशा एक बोतल पानी पीना है। ठीक है, पानी पीना है आपको वीडियो को शूट करने से पहले। अगर जी आप यहाँ पे पानी पी ले तो आपका वीडियो में जो है कहीं पर भी जो है आपको ड्राइनेस नहीं आएगा, आपके गला में जो है आपको ड्राइनेस जैसा नहीं लगेगा। ठीक है, आप जो काफी अच्छे तरह से जो वर्ड्स को बोल पाओगे अपने मुंह से। तो आपको जो हमेशा गाइस वीडियो को शूट करने से पहले एक बोतल पानी पी लेना है। अब हमारा जो 4th टिप्स है गाइस वो ये है कि आपको हमेशा जो अपने फोन को एक स्टेबल जगह पर रख देना है। अगर जो आप गाइस अपने फोन पर को जो है अपने हाथ में पकड़ के वीडियो को शूट करोगे, आप लोग जो अपने वॉइस को शूट करोगे, तो आपका फोन जो है गाइस हिलने लगेगा, तो जिससे आपका वॉइस जो है काफी ज्यादा खराब आ सकता है। तो इसलिए गाइस आपको फोन को जो है एक स्टेबल जगह पर रख देना है, जहां पर वो थोड़ा भी जो मतलब हिले डुले ना। ठीक है, आप जो इसे कोई टेबल पर रख सकते हो, कोई स्टूल पर रख सकते हो, जहां पर भी आपका मन हो उसे रख दीजिए गाइस, बस जो है आपका फोन जो है हिलना नहीं चाहिए। अब हमारा जो 5th टिप्स है गाइस वो ये है कि आपको हमेशा जो है ना मीडियम रेंज में बोलना है, नहीं आपको काफी ज्यादा जो है फास्ट बोलना है कि हेलो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस टाइप से जो यूट्यूब चैनल के थंबनेल बना सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ इस टाइप का नहीं बोलना है, और ना ही गाइस आपको जो काफी ज्यादा स्लो बोलना है कुछ इस टाइप से हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस टाइप से भी आपको नहीं बोलना है, आपको मीडियम रेंज में बोलना है। ठीक है, ना ही ज्यादा फास्ट बोलना है और ना ही ज्यादा आपको स्लो बोलना है, बिल्कुल जो है मीडियम रेंज में बोलना है। ठीक है, होप गाइस आपको ये 5 तरीके पसंद आया होगा। और गाइस आप अगर जो अपने फैक्ट वीडियोस के लिए काफी अच्छा वाला बैकग्राउंड म्यूजिक चाहते हो तो ये वाला वीडियो देख सकते हो। एंड गाइस अगर जो आप अपने फैक्ट वीडियोस के लिए जो काफी अच्छा वाला थंबनेल बनाना चाहते हो तो ये वाला वीडियो देख सकते हो। तब तक के लिए बाय।